की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में इस वक्त तनाव का माहौल बना हुआ है। 16 अप्रैल की देर शाम हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा निकाली गई, लेकिन उस शोभा यात्रा में कुछ उपद्रवियों ने जमकर हंगामा कर दिया। तोड़फोड़ की गई, आगजनी और पथराव देखने को मिला। फिलहाल दिल्ली पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है और तकरीबन 23 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। लेकिन दिल्ली के साथ साथ कई ऐसे अन्य राज्य हैं जहां पर हिंसा और झड़प के मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में अजान विवाद को लेकर इस वक्त लगातार कई बड़ी खबरें आ रही हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश से भी। जी हां, लाउडस्पीकर पर अजान पढ़ने को लेकर इस वक्त कई पॉलिटिशियंस आपत्ति जाहिर करते हुए देखे जा रहे हैं। लेकिन अब एक बेहद बड़ी खबर आ चुकी है। जहांगीरपुरी इलाके में हिंसा के बाद अब उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी रविवार देर शाम माहौल अचानक तनावपूर्ण होता हुआ दिखाई दिया है। दरअसल रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया है कि आनन फानन में पूरे ही बाजार में देखने को मिला कि सभी दुकानें बंद हो जाती हैं और उन हालातों को देखते हुए भारी पुलिस बल सड़कों पर आ जाता है। पुलिस प्रशासन के बड़े अधिकारी सड़कों पर नजर आए। जानकारी के लिए आपको बता दें, एसएसपी हेमंत कुटियाल ने बताया है कि अब माहौल शांत है। दरअसल जानकारी के लिए आपको बता दें, रविवार की देर शाम मुरादाबाद के थाना कोतवाली क्षेत्र से हिंदू संगठनों द्वारा एक भगवा यात्रा निकाली गई। सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन अचानक से एक खबर ने माहौल काफी ज्यादा बदल दिया। अफवाह उड़ा दी गई कि कहीं मुरादाबाद में भी पथराव ना हो जाए और इस डर के चलते बाजार की सारी दुकानें बंद हो गईं। भगदड़ जैसा माहौल बनते ही देख भारी पुलिस बल बाजारों में नजर आया। साथ ही साथ जानकारी के लिए आपको बता दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सामने आया है कि भगवा यात्रा के दौरान नगर कोतवाली के पास तेज आवाज में साउंड सिस्टम बजाने के विरोध पर दो पक्ष के बीच नोकझोंक हो गई, हंगामा हो गया और अफवाह उड़ने लगी पथराव की। इसी वजह से दुकानदारों ने दुकानों को बंद कर दिया। हालांकि पुलिस जैसे ही मौके पर पहुंची, उस दौरान की स्थिति को बखूबी संभाला है। जी हां, जानकारी के लिए आपको बता दें, एसएसपी हेमंत कुटियाल ने स्थिति को कंट्रोल में कर लिया है और उन्होंने बताया कि रविवार के दिन यात्रा निकल रही थी, तभी किसी बात पर कंफ्यूजन हो गया, जिसे सॉल्व कर लिया गया है और अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, सब कुछ पीसफुल है। कोई किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान न दे, जैसा कि टीवी पर चल रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस ने ये भी कहा है कि किसी भी प्रकार की अफवाह पर यकीन न करें, क्योंकि हम लोग आपके साथ हैं, प्रशासन आपके साथ है। उन्होंने बताया है कि भगवा रैली का जो डीजे था, उसकी आवाज ज्यादा तेज हो गई थी, जिस पर दूसरे लोगों ने सवाल उठाए और मामला अब खत्म हो चुका है, शांतिपूर्ण माहौल हो चुका है। इस रिपोर्ट में इतना ही, बाकी की तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।